वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम आप सभी को बता दें, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन यह होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली में दो महाशक्ति तांडव करेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, समय आ गया है अब आपकी किस्मत तेजी से उड़ान भरेगी। जी हाँ, और आने वाले समय में आपको अपने जीवन काल में तीन बड़े महाचमत्कार देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और ये चमत्कार देखकर आपके अड़ोस पड़ोस के अगल बगल के सब लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ, और वो सब अपने मन सोचेंगे कि हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में जो होगा देखकर लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब आपकी राशि वालों की कुंडली में महायोग का निर्माण हो चुका है। दोस्तों कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता और ना ही कोई मिटा सकता। जब कुंडली में एक बार लिखा जाता है तो वो होकर ही रहता है, और अगले इन 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन काल में जो बदलाव महसूस करेंगे, जो कि दोस्तों आपने भी आज तक नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, यह योग जिनकी भी कुंडली में बनती है उनके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि यह योग जिनकी भी कुंडली में बनता है उनका जीवन बदलने सुनिश्चित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे, ऐसे बदलेगी जो कि दोस्तों सभी को हैरान कर रख देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है, और इस वीडियो का निर्माण इन बदलती ग्रह गोचर के आधार पर हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे व्यापार, लेन देन, सेहत, पारिवारिक और मित्रों के साथ संबंध तथा दिन भर में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को एकदम अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले भगवान महादेव जी के जो भी सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा काशी विश्वनाथ जरूर लिखिएगा। बाबा काशी विश्वनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, ये हमारी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। दोस्तों बता दें, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन लोगों को आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा लाभ होगा, इतना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, जिनके बारे में ना ही आपने सोचा होगा और ना ही आपके घर वालों ने और ना ही आपके घर के अगल बगल वालों ने सोचा होगा। जी हाँ, और दूसरा जो चमत्कार होगा, आपके घर में छोटा सा बाल गोपाल आने की खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, यानी कि सीधे शब्दों में यूं कहें तो आपके घर में कोई बच्चे का किलकारी संबंधित शुभ समाचार गूंजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी सफलता के मार्ग में जो बाधक बनने का काम करता था वो सभी बाधक अब आपकी सफलता के मार्ग से दूर होने वाले हैं, और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी कामयाबी आपके घर में, आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आप चलते हुए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि दोस्तों
आज हल्की फुल्की खरोचें आ सकती हैं। जी हाँ, और नौ चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए दोस्तों आज आपको बोलने में भी सावधानी रखना होगा। जी हाँ, आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। जी हाँ, सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें आप समय व्यतीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी परिजन की सेहत के बारे में चिंतित थे, परेशान थे, तो दोस्तों आज उस बारे में भी राहत की खबर मिलेगी। जी हाँ, आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, जूझ रहे थे, तो आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आज आपकी एक ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है जिससे आपकी प्यार और प्रतिबद्धता की शक्ति का परीक्षण होगा। आपको अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथी का आप पर पूर्ण विश्वास है और आपको इस प्रेम की परीक्षा में पास होना है ताकि ये प्रेम संबंध हमेशा हमेशा के लिए प्रगाढ़ बने रहे। अगर आप में दया और सहानुभूति रहेगी तो आप किसी चीज़ का डटकर सामना कर सकते हैं। चाहे आपका भाग्य कैसा भी हो, पहेली आपके सामने लाए। जी हाँ, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, अगर आप बेरोजगार हैं तो एक अवसर आज आपके दरवाजे पर अपनी दस्तक दे सकता है। जी हाँ, उसके लिए आप तैयार रहें और अपने दोनों हाथों से इसे लें। आपके पास खोने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुफ्त सलाह प्रदान करने वालों से दूर रहने का प्रयास करें। जी हाँ, नहीं तो कोई आज आपको गलत सलाह दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी पाने के पश्चात अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाएं तो आपको एक नए क्षेत्र से अवसर प्राप्त हो सकता है। उसके लिए भी आज आप तैयार रहें। आज आपको नई नौकरी की पेशकश मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों से आप अपने लिए नौकरियां खोजें। आज आपको नौकरी मिलने की पूरी पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे सबसे पहले आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, जिन लोगों के घर में पैसा रुकता नहीं था, कमाते थे आप बहुत और वो पैसा आपके हाथ में भी आता है, लेकिन हाथ में आने के बाद वो पैसा पुनः कहाँ चला जाता है, इस बात का अंदाजा आपको नहीं लगता है। जी हाँ, जिन लोगों के घर में इस तरह की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, उन लोगों को अब इन समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, और छुटकारा धन की देवी माँ लक्ष्मी जी देने वाले हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई पैसा, कोई पूंजी नहीं लगाना है। उसके लिए रात में सोने से पहले माँ लक्ष्मी जी के मूर्ति या फिर तस्वीर पर मोगरे का इत्र या फिर मोगरे का माला अर्पित करनी है। इससे दोस्तों माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देती है। तो आपको ये उपाय करनी है। याद रखिएगा, ये उपाय रात्रि के समय सोने से पहले ही कीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे समय बहुत खास रहेगा। इसलिए दोस्तों इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा जो समय अभी आपको मिल रहा है। इसलिए दोस्तों समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा। आपके जीवन में सब कुछ लौट कर आ सकता है, लेकिन समय अगर एक बार आपके हाथ से चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। जी हाँ, बात ध्यान में रखिएगा।
आने वाले अगले 24 घंटे आपके संपत्ति के मामले में समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी दिशाओं से लाभ होगा और दिन भर कोई ना कोई शुभ समाचार मिलती रहेगी। एक के बाद एक शुभ समाचार आपके घर में आती रहेंगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आज आपको लाभ होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आज आपका फंसा हुआ धन मिलने का चांस बन रहा है। और जो लोग अपने धन को शेयर मार्केट में लॉटरी सट्टे में लगाना चाहती हैं, उनके लिए समय सोने पे सुहागा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का दिन प्यार के लिए बहुत अच्छा है। अपने प्रेमी के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार करने के लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है। जी हाँ, या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमांस के तरीके देख सकते हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि कुछ मामूली समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि अपने कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको काम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आपको ध्यान रखना है और सोच समझकर ही काम करना है। आज आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा की जरूरत है, खासकर जब आप अपने सहकर्मी के साथ कार्य कर रहे होते हैं। क्रोध को दूर रखें, बल्कि उसके साथ समझदारी से निपटें, ताकि आप पूरे समूह के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जी हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों समय अभी आपके लिए काफी उत्तम है। आपको सूझबूझ से और अपने विवेक से काम लेना होगा। लापरवाही करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद पर लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी दोबारा सोच विचार कर लें तो आपके लिए बेहतर होंगे। किसी कानून की पचड़े में भी पड़ सकती हैं और कोई ऐसी घटना होगी जो कि आपको कभी ना भूलने वाला सबक दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आपको दिखावे के चक्कर में कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, सितारे कहते हैं कि आज आपको रिएक्शन और एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी विशेष खाने एलर्जी है तो हो सकता है कि आपने अनजाने में वही खाना खा लिया हो। त्वचा में जलन की भी आशंका है। जी हाँ दोस्तों, अगर संभव हो तो प्रदूषित स्थानों पर जाने से बचें, शाम तक आपकी सेहत में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, खूब अच्छी नींद लें और खूब सारा एक्सरसाइज भी करें, और पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेंगे। भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको अभी से ही प्रयास करके स्वास्थ्य आदतें डालनी चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए वर्तमान स्थिति काफी मुश्किल भरी है, लेकिन दोस्तों सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है, और अगर स्थिति अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम आपको सतर्क कर रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ग्रह सितारे हमें बता रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति में पड़ सकती हैं। चाहे वो लड़ाई घर में ही हो, आपस में ही, परिवार में हो, या फिर बाहर हो, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर कोई लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये अस्थाई चरण है। खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दें। आगे बढ़कर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रिश्ता बचाना है तो आपको झुक कर चलना होगा। जी हाँ, अकड़ करेंगे, घमंड करेंगे तो आप अपनों से भी अलग हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का बात आपको अपने मन में ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आज आप पैसे पर आत्मविश्वास से भर पाएंगे और आप अपनी कार्य संबंधित चिंताओं से सशक्त करेंगे और आगे खड़े होंगे, एवं कोई भी मुश्किल आपको बड़ी नहीं लगेगी।
जी हाँ दोस्तों, कुछ सूक्ष्म संकट कार्यस्थल पर आ सकते हैं, परंतु आप उन संकटों से आसानी से आत्मविश्वास के साथ बाहर आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सहकर्मी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे और सब लोग तारीफ करेंगे। जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां आज आपका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ने वाला है और हो सकता है आपको इस समय प्रमोशन भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, पूरे मेहनत से काम करें और बॉस की नजरों में आप बहुत अच्छे बनकर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी, सिर्फ अपने कार्यों को जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय किसी नजदीकी संबंधी की वजह से धन की हानि होने की स्थिति बन रही है। दूसरों की मदद की उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप अभी आपको नहीं करना है, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, इस समय सकारात्मक ग्रह स्थिति बनी हुई है। बच्चों की उपलब्धि संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ समय व्यतीत करेंगे, इससे आपसी संबंधों में काफी ज्यादा मधुरता आएगी। छोटी मोटी बातों को इस समय नजरअंदाज करने की कोशिश करें और सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। बजट का भी आपको इस समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बढ़ते हुए खर्चों पर रोक लगाएं और फिजूल खर्चे अभी आपको नहीं करना है। आपसी ईगो और गुस्से की वजह से रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। नकारात्मक प्रभाव के लोगों से दूरी बनाकर रखें और गुस्से को इस समय आप अपने ऊपर हावी ना होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, पिछले कुछ समय से आप किसी के साथ चल रहे खराब संबंधों में सुधार आएगा। अगर कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का बेहतरीन समय है। क्रियान्वित आप इस समय कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा लाभ दे सकता है। आपके आत्मविश्वास को भी बल मिलेगा और इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना आपके हित में रहेगा। कुछ विपरीत परिस्थितियां बनते कार्यों में रुकावट भी डालेगी, ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। पैसे को लेन देन टालने का प्रयास ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंत होने से आप अपने कार्यों में फोकस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, रिश्तेदारों में तथा मित्रों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे तथा आपसी संबंधों में भी सुधार आएगा। जमीन जायदाद संबंधित काम रुका हुआ है तो आज उसका कोई हल निकल सकता है। व्यस्तता के उचित परिणाम भी आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है, किसी भी परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाकर रखना आपके लिए जरूरी है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप अभी आपको नहीं करना है। आपके साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। खर्चों के मामले में ज्यादा दरिया दिल ना रखें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, सितारे कहते हैं रुका हुआ पैसा आय का स्रोत दोबारा शुरू होगा और आप अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने में सफल रहेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल से आज कुछ राहत मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, दूसरों की मदद करने से आपको आत्मिक खुशी मिलेगा, परंतु साथ ही साथ अपने कार्यों पर भी फोकस रहें, राजनीतिक संपर्कों का उचित करते रहें और गैर कानूनी कार्य से अभी आप दूर रहें। किसी के साथ भी जो है बेकार की बातों में अभी आपको नहीं उलझना है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय कार्य क्षेत्र में कोई भी लिए गए व्यवसाय निर्णय उचित रहेंगे। कोई नया ऑर्डर मिलने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी जरूर हासिल कर लें। इस समय व्यवसायिक यात्रा को स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। ऑफिशियल गतिविधियों में आपकी विशेष भूमिका बनी रहेगी और आपको हर तरह से लाभ ही लाभ नजर आ रही है।
लेकिन दोस्तों बिजनेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों से अभी सावधान रहें। बेहतर होगा अपनी गतिविधियों को दूसरे के सामने जाहिर ना करें। हालांकि कुछ नए कॉन्ट्रैक्शन भी हाथ आएंगे, ऑफिस के काम को लेकर कुछ चिंता आपकी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का देना है किसी को भी अपनी पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें शेयर नहीं करना है, अन्यथा इनका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। इस बात का आप ही को ध्यान रखना होगा। व्यवसाय में बजट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय कामकाज और जिम्मेदारियों की अधिकता रहेगी। साझेदारी संबंधित कारोबार में आपकी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। नौकरी पैसा लोगों को योग्यता के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक व्यस्तता बनाए रखने में आपका सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा तथा आप घर वातावरण भी सुखद बना रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान और तनाव रह सकती है। कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, ये आपके लिए अच्छा है। दोस्तों अगर खास उपाय की बात करें तो मिट्टी व धनिया को हल्के हाथ से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें। ऐसा करने के बाद बर्तन को उस उत्तर दिशा में रख दें और हर रोज उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है। जब धनिया निकलकर बड़ा हो जाए तो उसे प्रयोग में ले लें और सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर कार्यालय या फिर किसी धन रखने वाले स्थान में रख दें और रखने के कुछ ही दिनों बाद आपका जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरने लगेगी और यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। एक बार आप ज़रूर करके देखिए।